वैसा है नहीं। पार्ट छः का नाम है हंसी खुशी। पास तक आप चैप्टर कंप्लीट हमने कर दिया, क्वेश्चन आंसर सही। अब छः मिनट के पहले हंसी खुशी के बारे में जानिए। उस चैप्टर का नाम हंसी खुशी का रखा गया। हंसी टॉनिक है, राहत है, हर दर्द की दवा। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। किसी शायर ने सच कहा है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल के आप जिया करते हैं। दूसरी बात है, हंसी पाचन के लिए बहुत उत्तम चीज है। इससे अच्छी औषधि और कोई नहीं है। एक रोगी ही नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज है। जो दिल से हंसता है वो कहीं बुरा नहीं होता, इसलिए दिल से हंसो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, वो अधिक खुश होगा। दुश्मन को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करना है। तथापि उन कामों में, कष्टों और चिंताओं में सुंदर आत्मिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु हमारा भगवान ने दी है। हंसी सबको भले लगती है। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, और वे धन्य जो है दूसरे को हंसाते हैं, वो बहुत महान व्यक्ति होते हैं जो किसी को हंसाने का काम करते हैं। उनकी बातों से शरीर मिड़कते आनंदित होकर रात उठता है। हंसी मन में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसी चिंता को राती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वो बिना डिप्लोमा के डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में गर्मी दवा की बोतल से अच्छा है। तो एडिशन का भी कहना है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसे उत्तम वस्तु को खोने नहीं देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा जीवन में हंसते रहना चाहिए। इसी का नाम है हंसी खुशी। और देखिए शब्दार्थ का आप लोग याद करेंगे। विलायती यानी विलायती का अर्थ होता है विदेशी। स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना। कंगाली मीन्स दरिद्रता। झीकना मीन्स पछताना। प्रफुल्लित मीन्स प्रसन्न या खुश रहना। ढहा देना यानी गिरा देना। आंतरिक यानी अंदर से निकलना। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग याद करेंगे और चैप्टर को पुनः आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।